Dear friends, what is an algorithm? Algorithm क्या चीज है ये? और algorithm जो है वो YouTube के लिए किस तरह काम करता है? और क्या ये सिर्फ YouTube के लिए ही होता है? और ये जो beverage vending machines होती हैं, क्या ये algorithm को follow करती हैं? और अगर follow करती हैं तो किस तरह करती हैं? और ये जो central nervous system है हमारा, दिमागी निजाम, क्या ये एक अल्गोरिथम है? बस गए ना, चले कोई मसला नहीं डियर फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों को तो सोल्व करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। वेलकम टू LW केस चैनल विद IGI साउंड ट्रैक। अल्गोरिथम क्या है? आपने इस टॉपिक को यूट्यूब पर सुना होगा, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स ने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया होगा, इस चीज़ के बारे में बताया होगा। मैं भी वही बताऊँगा, उन्होंने भी वही बताया, बस फ़र्क इतना होगा कि मैं इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अल्गोरिथम क्या है? एक मेथोडिकल कैलकुलेशन है। देखिए, हम इसको पढ़ते हैं मेथोडिकल, ये मेथोडिकल नहीं है, ये दिस इज मेथोडिकल, मगर मैं शायद यहाँ पर मेथोडिकल पढ़ूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है मेथोडिकल, एक्चुअली मेथोडिकल है ये जो है। मेथोडिकल कैलकुलेशन है अल्गोरिथम, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, मेथोडिकल। ये फ्रेंड लास्ट तक कनेक्ट रहिए, फिर जिस तरह आप आगे कनेक्ट होते जाएंगे रहेंगे तभी आपको ये चीज़ें थोड़ा आसान लगना शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा देखकर छोड़ना मत, कनेक्ट रहिएगा बस। मैथोडिकल कैलकुलेशन है ये, कैलकुलेशन ही मैथोडिकल कैलकुलेशन, यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये एक एवरेज का एग्जाम्पल है, 2+8, 2 और 8 का एवरेज फाइंड करो, आंसर आएगा 5, ठीक है जनाब। अब ये जो आंसर 5 आया है, हम कह सकते हैं दिस इज 5 जो है, दिस इज एन एवरेज, ये एवरेज है, और ये एवरेज के मेथड को फॉलो करके हमने ये आंसर निकाला। क्या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने अल्गोरिथम फॉलो किया है एवरेज का? एवरेज का जो मेथड है, तरीकेकार है, हम उस तरीकेकार को, उस मेथड को अल्गोरिथम कहते हैं, समझ में आया? अब नंबर भरे चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल 22 और 44 का मैं कहूँ एवरेज फाइंड करो, बिल्कुल इसके नंबर भी डिफरेंट है, इनका आंसर भी डिफरेंट आएगा, मगर वो एवरेज का मेथड सेम होगा। इट मींस दैट अल्गोरिथम ऑफ एवरेज विल बी द सेम। अल्गोरिथम ये होता है, अल्गोरिथम एक तरीकेकार है, एक मेथड है किसी चीज को करने का। हाँ, आंसर डिफरेंट होगा बट एवरेज, बट द अल्गोरिथम विल बी सेम, मेथड विल बी सेम। ये है एक बेवरेज वेंडिंग मशीन, अगर उससे पहले डिफरेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ये बेवरेज वेंडिंग मशीन, बेवरेज का मतलब होता है भाई पीने की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, टी फॉर एग्जाम्पल। वेंडिंग मतलब वो जो पब्लिक में सेल की जाए। अब ये मशीन है, पब्लिक में कहीं पड़ी है, आप क्या थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आप डालोगे कॉइन, सिक्का डालोगे, जितना सिक्का होगा उस हिसाब से होगा भाई, सिक्का डालोगे, यहाँ पर लिखोगे कि आपको कौन सी बॉटल चाहिए, नंबरिंग उसकी लगाओगे, भाई ये नंबर तो मुझे ये वाली चाहिए, एप्पल चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए, जो भी, रेड बटन को क्लिक करोगे और ये यहाँ से बोतल बाहर निकलेगी। अब डियर फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताएं कि इस मशीन साली को किसने बताया कि कॉइन डालना लाजमी है और वो कॉइन यहीं से डालेगा, फिर यहाँ से कुछ 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 करेगा, कोई बंदा सामने खड़ा है वो, फिर वो बटन क्लिक करेगा और फिर तुम्हें यहाँ से निकलना है बोतल, मशीन तुम्हें कोशिश करके बोतल को यहीं से निकालना, यही तुम्हारा मुंह है, जो भी है। अब इस मशीन को ये चीज किसने बताई? ये फ्रेंड्स, दिस इज अल्गोरिथम, एक तरीकेकार बेवरेज वेंडिंग मशीन के ओनर ने एक मेथड को पुट कर दिया, एक प्रोसेस को पुट कर दिया इस मशीन के अंदर, और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये मशीन जो काम कर रही है, और ये आप होटल जो खरीद सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपके कॉइन में कितना दम है, 5 रुपये का या 10 या 50, तो डिपेंड्स, ठीक है। ये बेवरेज वेंडिंग मशीन में एक प्रोसेस को, एक मेथड को डाला गया है जिसको हम कहते हैं अल्गोरिथम, एक अल्गोरिथम पुट किया गया है, हम कह सकते हैं अल्गोरिथम इज द सिनोनिम ऑफ अ मेथड। लेट्स मेक अ टेस्टी वेजिटेबल सूप, यम्मी, वाओ। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास कुछ तरीकेकार हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, और इंग्रेडिएंट्स को पुट करने को, उसको यूज करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? हीट 1/2 कप ऑफ ऑयल इन पॉट, देन फाइनली चॉप 4 अनियंस, फ्राई द अनियन अंटिल गोल्डन, कट 3 पोटैटोस इनटू चंक्स एंड ऐड टू द पॉट,
स्लाइस केबेज इनटू स्ट्रिप्स एंड ऐड टू द पोट। अब ये चीजें भाई हमारे पास इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से, फॉर एग्जांपल ऑयल इंग्रेडिएंट है हमारे पास, अनियन हो गए, पोटेटोज हो गए, कैबेज हो गई, दीज आर इंग्रेडिएंट्स। और ये है एक रेसिपी, ये है एक मेथड बनाने का, एक तरीकेकार। डियर फ्रेंड्स, ये जो तरीकेकार है, दिस इज एल्गोरिथम एक्चुअली, ये है मेथड। अब इस ही मेथड से आप जो है वो सूप बना सकते हो, जितने ज्यादा सूप बनाना चाहो बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन इंग्रेडिएंट्स रेसिपी सो फार। और अब इसी चीज को, मतलब सूप को जो हमने पीछे भी बात किया, इसी चीज को, सूप को बनाने के लिए आप एक मशीन बना सकते हो। एक मशीन बना लो, उसके अंदर ये पूरा जो मेथड है वो डाल दो, या मैं कहूँ ये पूरा अल्गोरिदम उस मशीन के अंदर डाल दो। जैसे ही आप डालोगे तो फिर वो मशीन प्रोसेस करेगी और फिर अपने हिसाब से आपके लिए सूप बनाकर आपको दे देगी। इस तरह हमने बेवरेज ब्लेंडिंग मशीन को देखा, उसके अंदर भी इसी तरह एक अल्गोरिदम डाला गया है और वो काम कर रही है, एंड इट्स प्रोवाइडिंग अस दी कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेजेस। आप एक मशीन बना सकते हो इसको। अब जो है वो आप भले इंग्रेडिएंट्स को चेंज कर लो, फॉर एग्जांपल आप बना लो वेजिटेबल सूप की जगह पर चिकन सूप, बीफ सूप बना सकते हो आप, या मटन सूप बना सकते हो। इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होंगे मगर एल्गोरिदम सेम है, मेथड सेम है। दैट इज एक्चुअली द थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर अबाउट। मशीन बना लो, होमो सेपियंस यानी हम लोग, वी ह्यूमन बीइंग, दोज हु आर एंथ्रोपोसीन, मतलब जो सबसे यूनिक है, अशरफुल मखलूकात हैं, सिस्टम रब ने बनाया हमारे, जिस तरह हमारे यहाँ हमारे जिस्म के अंदर इनफिनिट सेल्स हैं, ला तेदाद ला मेदूद सेल हैं, इसी तरह ला मेदूद अल्गोरिदम मौजूद है एक इंसान के अंदर। हमारे अंदर कोई एक अल्गोरिदम नहीं है, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग मेथड, अलग अलग अल्गोरिदम हमारे अंदर मौजूद है। जी फ्रेंड, नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं, याद रखिएगा नर्वस सिस्टम जो है वो खुद एक अल्गोरिदम नहीं है, नर्वस सिस्टम खुद एक अल्गोरिदम नहीं है, वो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अल्गोरिदम्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंटली काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हाथ पे कोई चोट लग गई, वहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो फील करते हैं पेन को, फिर मैसेज भेजेंगे CNS के यहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स मैसेज आएगा हाथ को या पाँव को कि आप अटैक करो, डिफेंस करो, जो भी करो। तो ये किसने बताया? तो अल्लाह पाक ने, गॉड ने हमारे अंदर, कोई गॉड पढ़ते हैं कोई गॉड पढ़ते हैं, तो एक्चुअली गॉड, तो गॉड ने क्या किया, हमारे जिस्म के अंदर अल्गोरिदम डाल दिए, नर्वस सिस्टम को एक अल्गोरिदम दे दिया कि आप इस तरह रेस्पॉन्स करना, एक नहीं बहुत सारे, मगर ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको। इन दिस सिचुएशन नर्वस सिस्टम टेक्स दैट रेस्पॉन्स, टेक्स दैट एक्शन एक्चुअली। तो दीज आर द अल्गोरिदम्स। इसी तरह हमारे यहाँ डाइजेशन के अल्गोरिदम, रिप्रोडक्शन के अल्गोरिदम, डाइजेशन के, एक्सक्रीशन के, रेस्पायरेशन के, ब्रीथिंग के, डिफरेंट डिफरेंट अल्गोरिदम वी आर हैविंग। और ये हमारा नर्वस सिस्टम अल्गोरिदम नहीं है, मैंने कहा इसके अंदर अल्गोरिदम्स बहुत सारे, बहुत सारे। और ये बातें जो मैं नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल में, दिस इज अ, दीज ऑल थिंग्स आर सेड इन अ बुक नेम्ड होमोडियस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो, यूवल नोवा हरारी साहब ये जो ये बातें कर रहे हैं, और ये बेस्ट सेलर बुक है, इसको जरूर देखिएगा, एटलीस्ट इस अल्गोरिदम टॉपिक को ही देख लीजिएगा इस किताब के अंदर, और देखें क्या मैं कहीं गलत तो बातें नहीं कर रहा। अब ये YouTube में किस तरह काम करती है तो पता चल गया होगा, जिस तरह बेवरेज वेंडिंग मशीन में काम कर रही है, जिस तरह हम सूप की मशीन बनाने जा रहे थे, उसी तरह YouTube के अंदर इसके जो ओनर हैं, ओनर ना कहूँ, उनके जो तीन फाउंडर्स थे, स्टीव चेन, चैड हर्ले, जावेद करीम साहब ने जब YouTube को बनाया तो एक अल्गोरिदम डाल दिया, और फिर वो अल्गोरिदम ने, वो एक मेथड था, जाहिर सी बात है, उस मेथड ने काम करना स्टार्ट किया। उसके काम क्या थे? रिव्यू, उसके काम क्या थे? व्यूज देना, व्यूज को काउंट करना, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करना, और वॉचिंग आवर्स को चेक करना, शॉर्ट फंड्स वगैरह, ये चीज़ें, शॉर्ट्स बनाना, और इस वीडियो को अपलोड करने की परमिशन देनी है किसको नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह लग जाना, कॉपीराइट आपके म्यूजिक पर लग जाना, मे बी मुझे IGI की इस म्यूजिक ट्रैक पर कॉपीराइट लगे, तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें यूट्यूब के अंदर अल्गोरिदम है। मगर ये अल्गोरिदम मैंने, अब ये भी आपको आंसर मिल गया होगा कि ये अल्गोरिदम सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है, हम इंसानों के अंदर है, मशीनों के अंदर है, सूप के लिए भी है अल्गोरिदम, सब चीज़ों के लिए। तो इस तरह अल्गोरिदम जो है काम करता है यूट्यूब के अंदर, डिफरेंट
एक दफा इन तीन बंदों ने अल्गोरिदम को डाल दिया अंदर। अब ये बंदे तो चले गए, मतलब अब यूट्यूब का ओनर तो ऐसी बात है गूगल है, ये लोग तो नहीं है। तो अब जो गूगल के पास भले वो यूट्यूब पढ़ा हो मगर अल्गोरिदम इन बंदों ने डाला था और ये अल्गोरिदम अब काम करता जा रहा है। अब उस अल्गोरिदम को और ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं, मेथड्स को और ज़्यादा पुट कर रहे हैं मगर अल्गोरिदम चेंज नहीं है। अल्गोरिदम इज वन एंड द सेम इन दैट यूट्यूब डिफरेंस। हियर द टॉपिक इज, हियर द डिस्कशन इज, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।